नागपुर पुणे के बढ़ते यातायात को देखते हुए बाबा ट्रैवल्स पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यात्रियों को सभी सुविधा के साथ चमचमाती बाबा ट्रैवल्स पॉइंट की नागपुर पुणे बसें प्रारंभ हुई है। बाबा ट्रैवल्स पॉइंट की चमचमाती बसों की क्या विशेषता है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ये रिपोर्ट रफ्तार का सफर में। नागपुर पुणे के बढ़ते यातायात को देखते हुए बाबा ट्रैवल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने भी अपना योगदान देना आरंभ कर दिया है। कंपनी की ये दो बसों ने रविवार से नागपुर पुणे के बीच अपनी सेवाएं आरंभ कर दी है। कंपनी के 532 ए हनुमान नगर मेन रोड टुकड़ोजी पुतले के पास स्थित मुख्यालय से शाम 5 बजे ही हरी झंडी दिखाकर नागपुर पुणे बस को रवाना किया गया। कंपनी के ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर पुणे बस वर्धा यवतमाल कारंजा लाड़ होते हुए पुणे जाएगी। दोनों बसें एसी स्लीपर कोच हैं। बसों में 2 वाईफाई, पानी की बोतलें, टीवी, जीपीएस, चार्जर पॉइंट, कंबल, रीडिंग लाइट, इमरजेंसी एग्जिट, नाश्ता, सीसीटीवी, तकिया, प्रथमोपचार सहायता और हैमर की व्यवस्था की गई है। बस के टिकट www.btpbuses.com से ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। info@btpbuses.com से बस के संबंध में जानकारी हासिल की जा सकती है। दर्शकों नमस्कार, इस समय INBCN की टीम है ऐसे जगहों पे जहाँ पे BTP यात्रा की ये वही बस है जो पुणे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एसी से सुसज्जित ऐसी ये बस जो है। थोड़ा अंदर आइए, हम आपको बताएंगे कि देखिए किस तरह से ये बस अपने आप में एक है। हम जैसे भीतर प्रवेश करते तो हम सबसे पहले आपको दिखा सकते हैं कि ये होते हैं ड्राइवर साहब जो इस पूरे गाड़ी को चलाते हैं और जो पैसेंजर होते हैं उनके गंतव्य स्थान लेके जाने के पूरी तरह से तैयार है। सर सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ शेख है। आसिफ भाई कैसा लग रहा है आज ये चलाते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, भारत बेंच की फुल सस्पेंशन गाड़ी है और बर्थ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, ना कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होगी और हम हमेशा यही ध्यान रखेंगे कि ट्रैवल्स में कभी भी कस्टमर को कोई तकलीफ ना आए। सर और क्या स्पेशलिटी इसकी? स्पेशली सर पीछे में स्लीपर में बर्थ है, कैबिन अपना लाइट वगैरह है, स्टडी लाइट है और स्नैक्स वगैरह भी है और पानी की बॉटल भी है, एक वाटर बॉटल। आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने का कोई रास्ता? इमरजेंसी में एक पीछे में एक डोर दिया हुआ है इमरजेंसी, जहाँ पे हथौड़ा भी है जिससे बाहर निकला जा सकता है और राइट साइड में एक विंडो है जिसको वहाँ पे कांच को फोड़ के भी बाहर निकला जा सकता है और फायर के लिए कैबिन में एक बड़ा सिलेंडर है और पीछे में फायर के लिए अपना 2 सिलेंडर और दिए हुए हैं। तो ऐसा तो कोई तकलीफ आना नहीं है, मगर बाय द वे अगर इन फ्यूचर आती है तो पूरी सुविधा है, कभी कस्टमर को किसी चीज़ की माल की जान की कोई हानि नहीं होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने आज लोगों को जो आश्वस्त किया और जो बताया है कि ये जो पूरा कामकाज है किस तरह से चलने वाला है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा इनका मानना, क्योंकि पूरी तरह से इन्होंने जो कामकाज किया है बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा यहाँ आइए, देखिए पूरा एसी है, यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है और ये लोग यहाँ बैठे बैठे और सोते सोते पूरा टीवी देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और ये देखिए थोड़ा यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा सबके नंबरिंग यहाँ पे दिए गए हैं ताकि किसी भी कोई भी बात को आसानी से उनको अपनी जो बैठने की जगह है वो मिल सके, इस तरह से ये सब कामकाज किया है। थोड़ा पीछे तक आते जिसका हमने जिक्र किया है वो यही है, ये देखिए ये है इमरजेंसी एग्जिट, यहाँ इसको बताया गया है। इसके चलते ये हथौड़ा जो मैंने आपको बोला बताया था, वो जो सर ने बताया था, ये देखिए ये वही हथौड़ा है, ये हथौड़ा से यहाँ से ये पूरा यहाँ से निकल सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे पूरी सुविधा है, ये नीचे भी लोग बैठ सकते हैं और लोगों को पढ़ने के लिए ये नागपुर शहर का बेहतरीन एक समाचार जो नागपुर मेट्रो समाचार है वो भी लोगों के लिए है। पुणे जाने के लिए ये जो बस है पूरी तरह से तैयार है, नागपुर से ये बस अब सीधा पुणे के लिए रुक करेंगे और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने जा रही है। सभी यात्रियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आज ये बस का पहला दिन है, यात्रियों का जो यात्रा वो सुखद और आनंददायक हो यही हम दुआएं और यही कामनाएं करते हैं। कैमरा पर्सन वीरू के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।